तो स्वागत है हम लोगों का आज के एक फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे, हमने जो पिछले वीडियो के अंदर मतलब पिछले तीन वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को दिखाया था मेरा जो अनलिंक का प्रोसेस है मैंने लगाया हुआ था बीजीएमआई के अंदर, तो आज जो है मेरा यहाँ पर 7 डेज कम्प्लीट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं बीजीएमआई को ओपन करके हमारा यहाँ पर जो है आईडी यहाँ पे अनलिंक हुआ है या नहीं। ठीक है, अगर अनलिंक हो गया होगा तो उसके अंदर किस तरीके से दूसरे अकाउंट को हम लोग ऐड करेंगे, तो वो चीज़ भी जो है मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बस एंड तक देख लो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल का नए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे बेल आइकन पर जरूर से प्रेस कर देना, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाओ। ठीक है, तो चलिए ओपन करते हैं अपना बीजीएमआई को। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए मेरे पास यहाँ पे जो है लॉगिन वाला पेज आ चुका है। तो मेरा यहाँ से मैं फेसबुक के थ्रू लॉगिन करता हूँ, क्योंकि मैंने जीमेल को हटाया था, तो अब जो है ये जीमेल से लॉगिन नहीं हो पाएगा, तो इसलिए जो है मैं अब इसे फेसबुक से यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस चल रहा है, तो थोड़ा वेट करते हैं। तो फेसबुक के थ्रू मेरा यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा अभी। ओके, एक मिनट। तो दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस मैंने बताया हुआ है पिछले वाले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है किस तरीके से अनलिंक करते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, तो आप वो सारा चीज़ जो है जाके देख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो हमारा इवेंट वगैरह आ चुका है। ठीक है, तो अब चलते हैं सेटिंग के अंदर, अब देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ दिया है, देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है अपना यहाँ पे टाइमर लग चुका है अब। ठीक है, मतलब यहाँ पे और जो है 2 घंटा कुछ चिल्लर टाइम है। ठीक है, वो लगने वाला है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मतलब और 2 घंटे के अंदर मेरा जो है अकाउंट यहाँ से अनलिंक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दिन दिखा रहा था, तो मेरा ये लास्ट डे है, तो और जो है 2 घंटा लगेगा। तो मैंने पिछली बार जो है यहाँ पे रात के करीबन 12-1 बजे मैंने अनलिंक वाला वीडियो बनाया था, तो उसके अंदर मैंने अनलिंक किया हुआ था। ठीक है, सॉरी, तो मैंने 1 बजे के करीबन वो वाला वीडियो बनाया था, तो तभी जो है यहाँ पे मुझे अभी दिखा रहा है, अभी करीबन 11-11:30 हो रहा है। ठीक है, तो और जो है 2 घंटे के बाद जो है यहाँ पर ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जो है प्लस वाला आइकन आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जब प्लस वाला आइकन आ जाएगा तो आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, तो चलिए मैं वो प्रोसेस आप लोगों को बता देता हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर प्लस वाला आइकन आता है, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोगों को एक सोशल नेटवर्क अकाउंट के ऊपर ले जाएगा, आपको अटैच करना है। ठीक है, जीमेल या फिर ट्विटर, आपके पास जो भी है, तो आप एक सोशल अकाउंट यहाँ से अटैच कर सकते हो। तो अगर आपको जीमेल अटैच करना है तो कैसे करोगे, तो चलिए वो प्रोसेस भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। तो जीमेल अटैच करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, एक ऐप आता है गूगल प्ले गेम्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार सर्च कर लेता हूँ। गूगल प्ले गेम्स, ठीक है, ये रहा। तो गूगल प्ले गेम्स ये वाला एप्लीकेशन देख लो, आपको इसे जो है इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर अपडेट के लिए दिखा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो इंस्टॉल करने के बाद आपको जो है एक बार इसे ओपन करना होता है, तो मैं दिखा देता हूँ। अगर आपके पास 2 ईमेल आईडी है तो आप यहाँ से ईमेल आईडी को स्विच कर लो, तभी जो है आप यहाँ से लॉगिन कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोफाइल के ऊपर जाना है, फिर आपका जो भी आईडी है उसे स्विच कर लेना है यहाँ से। ठीक है, यहाँ क्लिक करके आपका जो भी आईडी है आप उसे स्विच कर लो इस तरीके से। स्विच करने के बाद जो है आप जाओ गेम के अंदर दोबारा। ठीक है, वहाँ पे जो है प्लस वाला आइकन आता है, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, फिर जो है जीमेल के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपका जो है अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आगे का प्रोसेस जो है कंप्लीट करके दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, किस तरीके से करते हैं, तो मैं 2 घंटे के बाद फिर से जो है वीडियो को रिकॉर्ड करूँगा, तो आप लोगों को उसके बाद मैं दिखा दूंगा। ठीक है, कम्प्लीट प्रोसेस। तो हम लोग आ चुके हैं कुछ टाइम के बाद, तो अब जो है मैं यहाँ पर बीजीएमआई को ओपन करता हूँ और देखते हैं हमारा यहाँ पे अनलिंक का प्रोसेस जो है
कंप्लीट हुआ है या नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने अपना यहाँ पर BGMI को ओपन कर लिया है, तो हमें वहाँ पर 2 घंटा कुछ दिखा रहा था टाइम, ठीक है। अब देखते हैं कितना दिखाता है, ठीक है। तो अजय भाई, तो लॉगिन हो जाए फिर दिखाते हैं। मतलब यहाँ पे जो है अनलिंक वाला मैसेज भी आप लोगों के सामने आ जाएगा, यहाँ पर अनलिंक सक्सेस हो गया है करके, ठीक है। तो देखते हैं, मैंने वीडियो को कटवट नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सभी चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है योर अकाउंट हैज बीन अनलिंक्ड, ठीक है, यहाँ पे आ चुका है देख सकते हो, और यहाँ पे ओके के लिए दिए गए। अब देखेंगे वहाँ पे जो है प्लस वाला आइकन आ चुका होगा, उसके बाद हम किस तरीके से ऐड करते हैं वो भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक करते हैं, तो देखिए अपना गेम यहाँ पर ओपन हो चुका है। अभी जो है करंटली फेसबुक से लॉगिन है, तो मेरा यहाँ पर जीमेल देखिए हट चुका है। मैंने कुछ टाइम पहले आप लोगों को वीडियो में बताया था यहाँ पे जीमेल था और उस पर टाइमर चल रहा था, अब जो है टाइमर भी हट चुका है और जीमेल यहाँ से अनलिंक हो चुका है, ठीक है। तो लिंक करने के लिए सिंपल प्लस बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पर फेसबुक सॉरी जीमेल या फिर जो है ट्विटर अकाउंट, दोनों में से एक को करना होगा। तो जीमेल के लिए मैंने क्या बोला था आप लोगों को, गूगल प्ले गेम्स का जो ऐप होता है उसे इंस्टॉल कर लेना है और आपको उसी ईमेल से लॉगिन करना है जिसे आप लिंक करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ इसके ऊपर। जैसे मैंने क्लिक किया तो अब देखिए यहाँ पर जो है इस तरीके से आएगा ईमेल आईडी। तो आप लोगों को जो है जिस भी ईमेल से कनेक्ट करना है आप यहाँ पे क्लिक करके उसे स्विच कर सकते हो इस तरीके से, फिर आपका जितना ईमेल है सब दिखाएगा, तो आप उसे सिलेक्ट कर लेना जिस भी ईमेल से आप कंटिन्यू करना चाहते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे देखिए कंटिन्यू एज दिखा रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये जो है जीमेल का मतलब लिंकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर आप लोगों का लिंक हो जाएगा। तो देखिए मुझे यहाँ पर दिखा रहा है नाउ यू कैन लॉग इन विथ गूगल प्ले गेम्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओके करूँगा, तो देखिए मेरा यहाँ पर जीमेल जो है अटैच हो चुका है, ओके। तो आपका भी जो है इस तरीके से आप अटैच कर सकते हो अपने जीमेल को हटाकर अनलिंक करके। देखिए मेरे पास पहले से जीमेल पड़ा हुआ था, इसकी वजह से हो गया। अगर आपके पास केस में जो है आप न्यू जीमेल आईडी इंस्टॉल करते हो, अगर नहीं होता तो आपको जो है 72 घंटे